असली अब असली करवट लेने के लिए जा रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग आने वाला कल का बिजनेस है और इंडिया से बड़ा इसका कोई मार्केट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जितना पोटेंशियल 10 देशों में है ना उतना पोटेंशियल हमारे यहाँ के एक देश में है, जितना 2-3 कंट्रीज को मिलाकर है ना दोस्तों उतना पोटेंशियल हमारे यहाँ के सिर्फ एक स्टेट के अंदर है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाला कल का बिजनेस है और यह मुझे मालूम था दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव था, मुझे ये मालूम था कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बट मुझे कभी एक चीज का बिलीव नहीं होता था और वो बिलीव ये नहीं होता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो आने वाला कल का मार्केट है, मगर कोई भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से बिजनेस एस्टैब्लिश करके लोगों को कैरियर दे सकती है इस पर मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया का एक बहुत बड़ा जो लैकुना था वो ये था दोस्तों, जिस इंडस्ट्री के अंदर कैरियर था, जिस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म विजन था, उस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों लोगों को कमाने के लिए पैसे नहीं थे। उस इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ पिछले कई सालों में हमने देखा बड़ी बड़ी कंपनियां जो एस्टैब्लिश है वहां कंपनियां कमा कर ले जाती है दोस्तों, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, स्टूडेंट पैसा नहीं कमा पा रहे, ये एक लगुना था। और जिन कंपनियों के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्कर्स पैसा कमा रहे हैं, वो कंपनीज के अंदर दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोविजंस, ऐसे प्रोफाइल नहीं थी कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म स्टेबल रह सके, ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच नहीं करते। तो यही चीज मेरे दिमाग में बैठी थी दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आने वाला कल है, मगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी ये कॉम्बिनेशन को बैठा सकती है ये चीज मैंने कभी नहीं देखी। इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव नहीं था, लेकिन इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत नेगेटिव था। जब चंचल सर मेरे सामने आए तो चंचल सर से मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, बहुत अवॉइड करने की कोशिश करी, अगर आपको भी आपने भी लोगों को अवॉइड किया है, आपको लोग अवॉइड करते हैं ना दोस्तों परेशान मत होइएगा, ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में से कहीं ना कोई मोहित टंडन में निकल कर आपको मिलेगा, क्योंकि मैं भी बहुत नेगेटिव था। तो मैंने एक चीज देखिए जो जितना नेगेटिव होता है ना, अगर आपने एक्चुअली में नेगेटिविटी क्या है, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, व्हाट इज नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव नहीं होता। लोग बोलते हैं इंडस्ट्री बहुत नेगेटिव है, फील्ड बहुत नेगेटिव, कुछ नहीं है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या है? लैक ऑफ नॉलेज इज नेगेटिविटी। नॉलेज नहीं है पूरा इसलिए हम नेगेटिव है। मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज था, बट माय लाइफ के बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग से बहुत नेगेटिव था। जब मैंने बैठकर दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में समझा चंचल सर को बहुत अवॉइड करने के बाद, लेकिन किसी तरीके से जब वो अप्लाइन है ना अप्लाइन, फिर कैसे ना कैसे वो माहौल बना लेते हैं। और जब मैं उनके साथ बैठा दोस्तों, एक घंटे के लिए बैठा था, ये बोल करके एक घंटे के लिए आ रहा हूं, बस आपको ओबलाइज करना है, आपका चाय पीने 5 घंटा बैठा था दोस्तों। जब मैंने इस कंपनी के बारे में समझा, इस मैनेजमेंट के बारे में समझा, बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चन जितने होते हैं ना, मैंने बैठकर उनके साथ में किया 5-6 घंटा क्वेश्चन किए, फिर घर गया, रात भर बैठकर क्वेश्चन आंसर फिर तैयार किए, फिर अगले दिन सुबह आया उनके साथ में बैठकर फिर 5 घंटे क्वेश्चन आंसर सेशन किया। वो दिन था दोस्तों, आज का दिन था, उनसे मिलने से पहले, इंडस्ट्री को समझने से पहले, माय लाइफ को समझने से पहले मैं बहुत नेगेटिव था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। जब मैंने दोस्तों मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इंडियन मेंटालिटी को अगर कोई मैच कर सकता है दोस्तों, अगर कोई कैरियर का, बिजनेस प्लान का, प्रोडक्ट का और लॉन्ग टर्म पैसा कमाने का विजन और कैरियर कोई दे सकता है इंडिया के अंदर, तो दैट इज ओनली वन कंपनी एंड दैट इज माय लाइफस्टाइल मार्केट। दोस्तों वो दिन था, आज का दिन था, उस दिन आखिरी बार ही निगेटिव था जब बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। उसके बाद जिस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, और मैं पॉजिटिव वाले लोग जुड़ते हैं तो जुड़ने से पहले निगेटिव होते हैं, बिजनेस में किसी तरह जुड़ते हैं और फिर छोटे छोटे चीजों पर निगेटिव होते चले जाते हैं, रोज निगेटिव पॉजिटिव का गेम खेलते रहते हैं, आज निगेटिव हो गया कल पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया कल पॉजिटिव हो गया, ऐसे नहीं होता धंधा, ये बिजनेस मेंटालिटी नहीं है दोस्तों। एक बार बिजनेस का डिसीजन ले लिया मतलब ले लिया। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में जुड़ने से पहले दोस्तों मैंने दुनिया जान के सवाल किए, सारी चीजें जब क्लियर हो गई, वो दिन था और आज का दिन था, किसी माइक के लाल में दम नहीं है जो आकर मुझे नेगेटिव कर दे, किसी माइक के लाल में दम नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव आदमी मेरे सामने बैठ जाए, लॉजिक्स के ऊपर बात करेगा, इस इंडस्ट्री को लेकर, इस कंपनी को लेकर, इस मैनेजमेंट को लेकर, मैं 100% बोलता हूं दोस्तों, अगर उसके अंदर ईगो नहीं होगा वो सरेंडर करेगा इस कंपनी के सामने, अगर उसको कैरियर पाना होगा सिर्फ माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग और ऑप्शन नहीं है। दोस्तों हमने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, नहीं मैं सच बताऊं, लोगों ने मुझसे पूछा कई बार पूछा कि क्यों आखिर ये बिजनेस क्यों। अच्छा आपके भी लोग मजाक उड़ाते होंगे कि बहुत नॉर्मल चीज है यार, बहुत नॉर्मल चीज है। अब आप सोचो जरा कि आपसे अगर लोग आकर बोलते हैं, 50,000 की नौकरी करते हैं और आपसे लोग आकर बोलते हैं कि यार तुम ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, ये भी ऐसा छोटा वाला ये नहीं बोलते, तुम ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, ऐसा ये वाला ये होता है। अब आप सोचिए कि शोरूम्स के मालिक, रियल एस्टेट के मालिक, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, इतना बड़ा सोशल बैकग्राउंड, इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इतना तामझाम होने के बाद, इतना बड़ा फैमिली स्टेटस सिंबल होने के बाद में दोस्तों, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में जब मैंने डिसीजन लिया था तो मुझे कितनी चीजें फेस करनी पड़ी,
मुझे भी बहुत सारे लोगों ने आकर समझाने की कोशिश करी, ये तुम क्यों कर रहे हो, ओ माय गॉड तुम लोगों को बुला रहे हो, तुम लोगों के पास जा रहे हो, मीटिंग ले रहे हो। पहले लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे, लोग मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया करते थे, मैं कटिंग रहता था, बोलते मिल जाते, मैं धक्का लाओ बस, मैं लोगों से फोन कर करके जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो लोग बड़े शॉक से बोलते थे क्या हो गया तुमको, क्या कर रहे हो ये सब करने की जरूरत क्या है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं, ये सब। लेकिन मुझे दोस्तों कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं आया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, पीछे बहुत सारी पीट पीछे बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, यही सब करना है, तुम इतना बड़ा अंपायर पागल हो गए सब। लेकिन मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, मालूम गुस्सा क्यों नहीं आया, रूडनेस क्यों आई, एक ही चीज थी, क्योंकि मुझे हंसी आती थी कहीं ना कहीं, मैं उनके अंदर भी वही मोहित टंडन देखता था जो इस चीजों की क्लैरिटी के पहले हुआ करता था, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, हंसी आई कि कोई बात नहीं, आज इसको इस इंडस्ट्री की समझ नहीं है, जिस दिन आएगी दोस्तों, जिस तरीके से मैं पॉजिटिव हूं उसी तरीके से पॉजिटिव होकर ही अपना करियर समझ लेगा, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, इसलिए गुस्सा मत करो, ये बिजनेस बहुत कूल रहने का बिजनेस, मस्ती में बिजनेस करो, लोग इतना लोड ले लेते हैं बिजनेस के लिए, मैं तो समझ नहीं आता कभी कभी, लोग इस बिजनेस को इतना लोड लेकर करते हैं, ये बिजनेस टेंशन लेकर करने का नहीं है, स्ट्रेस लेकर करने का नहीं, बहुत कूल रिलैक्स होकर करने का धंधा है, मैंने तो एक ही चीज, बहुत कूल बहुत रिलैक्स होकर इस बिजनेस करो, बहुत मजे से करो, पैशन से करो, लेकिन बहुत मजे से करो।